आइए हमारे बिहार में नजर डालते हैं जातीय जनगणना की शार में तो दोस्तों जो एग्जाम होने वाला उसमें इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं तो ये जो जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है वो पूरे भारत के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है बहुत ही मतलब कि उम्दा जो है क्या क्या कहा जा सकता है करंट अफेयर का पार्ट हो सकता है तो यहां से भी सवाल बनने के पूरे चांसेस है तो चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग बिहार की जाति आधारित गनन, जनगणना रिपोर्ट में 2023 में ही जो क्यों हुआ है तो बिहार जो है सरकार द्वारा जारी जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट सीधे सीधे अखबार का प्रिंट में लेके आपके सामने आ गया हूं तो इसमें क्या बताया गया है कि दो अक्टूबर दो को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी कर दिया तो क्वेश्चन पहला ये भी बन सकता है कि जनगणना जनगणना का रिपोर्ट कब जारी किया गया तो गांधी जयंती के दिन और दो, दो, दो अक्टूबर को दूसरी बात है कि इसके साथ बिहार जातीय जनगणना करने वाले रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और आजादी से पहले 1931 में एक बार हुआ था इस प्रकार की जनगणना उस समय बिहार झारखंड उड़ीसा ये सब एक ही राज्य था अलग अलग तो था नहीं आप समझ रहे हैं सभी लोग उन्नीस में फिर बाद में उड़ीसा वगैरह अलग हुआ है है ना बंगाल से बिहार 1912 में हुई हुआ अलग हुआ है वो तो समझ ही रहे हैं आप लोग वो सब तो आपका अलग विषय हो गया करंट अफेयर के तहत क्या बोला जा रहा है कि दो में केंद्र सरकार ने देश में सामाजिक आर्थिक और एक जनगणना करवाई जरूर थी लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हो सका है केंद्र सरकार ने करवाया था ये लेकिन 2011 के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र तेलंगाना उड़ीसा हरियाणा जैसे राज्यों ने भी जातीय गणना कराई लेकिन वह भी रिपोर्ट जारी नहीं कर सके इस अर्थ में बिहार आजादी के बाद देश में पहला राज्य बना जिसने न केवल जातीय सामाजिक आर्थिक जनगणना सफलतापूर्वक करवाया बल्कि उसको जारी भी कर दिया है तो बिहार अपने आप में समझ लीजिए बिहार में बाहर है महान है तो यह जनगणना जारी करने वाला आजादी के बाद यह पहला राज्य बना है फिर आगे जब बात करते हैं कि जाति दो आधारी, दो कितने चरणों में ये पूरा किया गया तो दो चरणों में प्रक्रिया पूरा हुआ पहला चरण की जो प्रक्रिया हुई थी शुरू वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और इस प्रक्रिया में मकानों की गिनती हुई थी भैया कितने घरों में लग रह रहे हैं लोग दूसरा चरण जो हुआ है वो पंद्रह अप्रैल दो से चालू हुआ था और पंद्रह मई को पूरा कर लिया पंद्रह अप्रैल से पंद्रह मई समझिए एक महीने में कितने ही समझिए कि युद्ध का आधार पे है ना स्ट्रेटेजिक बेस पे कितने तेजी से काम हुआ है सोच लीजिए जनगणना करना इतना आसान काम नहीं होता है तो लोगों से डाटा एकत्र किया गया दूसरे चरण में परिवारों की संख्या उनके रहन सहन आए ये सारे आंकड़े मस पहले में तो केवल घर गिन लिया और दूसरा में परिवार और परिवार में रहने वाले लोग क्या कर रहे क्या कमा रहे क्या पढ़ रहे सब कर लिए अब इससे आधारित कुछ तथ्य पे नजर डालिए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है 18 फरवरी 2019 में ही ये सब चल चालू हो चुका था बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव को पारित कर दिया था समझ रहे द्विशोदनीय व्यवस्था है आपके बिहार में तेईस अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और बोले कि भैया हमको करना है नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर इसको खबर दिए कि हम लोगों ने पारित कर लिया ऐसा करना है फिर 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में जनगणना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से क्या किया गया पारित कर दिया गया सर्वदलीय बैठक जनगणना पारित कर दिया कि ठीक है भैया कोई बात नहीं दो जून दो को मंत्रिपरिषद की मुहर के बाद फरवरी 2023 में सर्वे पूरा करने का निर्णय हुआ मंत्रिपरिषद का और दो अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना के अंतिम रिपोर्ट जारी कर दिया गया तो यहां पर दो तीन आपका इंपॉर्टेंट होगा एक अठारह फरवरी जो कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने जारी कर दिया दूसरा 23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार जो है प्रतिनिधिमंडल तो मेन आपका 18 वाला हो जाएगा और यहां पर ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर ये दो जरूर याद रखिएगा फिर आ जाता है 7 नवंबर 2023 तो जाति आधारित जनगणना के आर्थिक आंकड़े विधानसभा में पेश किया गया तो तीन डेट काफी इंपॉर्टेंट है एक अट्ठारह फरवरी दूसरा दो अक्टूबर दो और तीसरा सात नवंबर दो बाकी सब तो है ही लेकिन ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेकिन आपको यह बता दो कि इस जाति आधारित जनगणना को सर्वे को रोक लगा दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा तो जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा जब रोक लगा दिया गया तो मामला पहुंच गया कहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया तो 4 मई 2023 को गणना को रुक गई थी हाई कोर्ट के आदेश पर पटना हाई कोर्ट के आदेश पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब मामला चला गया तो उसने कहा कि भैया जारी रखे हाईकोर्ट से सुनवाई को करने के लिए बोला गया और एक अगस्त दो को हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है गिनी अब कौन दिक्कत

चला कि बिहार से बिहारी तिरपन लाख बिहारी घर से बाहर रहते हैं बेचारे और मेहनत करते हैं काम करते हैं रोजगार के चक्कर में सभी कोई अपने घर-द्वार छोड़ के रोजगार के चक्कर में ही जाते हैं और कोई घूमने के लिए दस दिन के लिए जा सकते हैं फिर उसके बाद बात किया गया कि 13 करोड़ सात लाख 25310 बिहार से बाहर रह रहे है लोग है ना ये 13 करोड़ 7 लाख 25310 जो है ना ये संख्या बिहार की कुल आबादी है अब बिहार से बाहर कितने में से कितने रह रहे तिरपन लाख बहत्तर हजार बाईस ठीक है लगभग लगभग बाईस हजार लगभग लगभग इतना जो बोला जा रहा है बिहार में से बाहर रह रहे बाकी जो बच गए तो ये तो जनगणना का अलग बात है अब जो है पुरुष कितने हैं लगभग छह करोड़ महिला भी छ करोड़ जब तेरह करोड़ है ये है अन्य इतना है तो इससे आगे की रिपोर्ट आप देखिए से तो आपको जनगणना से सीधे सीधे केवल सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें केवल जाति आधारित बात करेंगे तो जाति आधारित जो जनगणना हुआ है बिहार में वो कितने पैरामीटर हुआ है तो नौ पैरामीटर पर हुआ कितने पैरामीटर पर हुआ है तो नौ पैरामीटर पर हुआ है जिसमें शैक्षणिक योग्यता कार्यकलाप आवासीय स्थिति अस्थायी परवासीय स्थिति है ना कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता है कि नहीं मोटरयान है कि नहीं कृषि भूमि है कि नहीं आवासीय भूमि है कि नहीं ये सभी स्रोत से मासिक आय कितना है ये नौ पैरामीटर पे जाति आधारित जनगणना हुआ है और जब संख्या देखा गया कि प्रमुख जनजातियों की संख्या प्रतिशत में कैसे-कैसे है कौन सा जाति कितना है इसके बारे में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से मिले हैं है ना यादव जी है ना लालू प्रसाद जी ठीक है सबसे ज़्यादा यादव जनजाति ज मिला है जाति संख्या में दूसरा में दुसाध आ जाते हैं फाइव पॉइंट थ्री परसेंट रविदास आ जाते हैं फाइव पॉइंट टू परसेंट कोयरी आ जाते हैं फोर पॉइंट टू परसेंट ब्राह्मण आ जाते हैं थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सिक्स फाइव राजपूत आ जाते हैं थ्री पॉइंट फोर फाइव परसेंट मुसहर आ जाता है थ्री पॉइंट जीरो एट कुर्मी आ जाते हैं टू पॉइंट एट सेवन भूमिहार आ जाते हैं टू पॉइंट टू सिक्स एट सिक्स मल्लाह आ जाते हैं एट पॉइंट टू पॉइंट सिक्स जीरो बनिया आ जाते हैं टू पॉइंट थ्री वन कायस्थ आ जाते हैं जीरो पॉइंट सिक्स जीरो इतने परसेंट है ये जनगणना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा सवाल बन सकता है जब इतना है ना वैधानिक आधार पर इतना सारा कुछ डेटा जारी किया गया है तो आपके सवाल क्यों नहीं बन सकते हैं फिर धर्म के आधार पर जब जनगणना बोला गया तो सबसे ज्यादा जो है हिंदू की जनसंख्या एट्टी वन पॉइंट नाइन वन नाइन नाइन परसेंट है उसके बाद मुस्लिम की बात किया जाए सेकंड सबसे हाईएस्ट जनसंख्या 17.7 परसेंट है ये उसके बाद ईसाई का आ जाता है फिर सिख का आ जाता है ईसाई तीसरे में जीरो पॉइंट जीरो फाइव है ना सिख जीरो पॉइंट जीरो वन वन फिर बौद्ध आ जाते हैं जैन अन्य सारा कुछ तो शुरुआत के तीन चार जो है जरूर याद रख लीजिएगा यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके फिर आपकी बात करते हैं वर्ग के आधार पे क्लास क्लासिफिकेशन जो किया गया है अपने सिस्टम के लिए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लगभग 36 परसेंट है उसके बाद पिछड़ा वर्ग आ जाता है 27 परसेंट में उसके बाद अनुसूचित जाति जो आ जाते हैं उन्नीस दशमलव सिक्स फाइव परसेंट में आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति जो हो जाते हैं वो वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट हो जाते हैं और अनारक्षित अनरिजर्व जो आ जाते हैं वो फिफ्टीन 0.52 आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अत्यंत तो पिछड़ा वर्ग में है ये बात ध्यान रखिएगा समझ लीजिए अनुसूचित जनजाति ट्राइब सबसे कम है क्योंकि जब बिहार का विभाजन हुआ झारखंड चला गया तो छब्बीस परसेंट अभी वहां ट्राइब है कहां पे? आपके झारखंड में तो यह था जनजाति अजाति आधारित जनसंख्या जो है ना जनजाति आधारित जनगणना जो बिहार में हुआ था तो इस तरह के छोटे छोटे जो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है एक से दो बार ये वीडियो देख लीजिएगा इससे जुड़े जो सवाल आएंगे पूरा हु बहू मैं अखबार और सारा जो डेटा है वो लेकर आपके साथ हूं तो इसको एम फॉर्मेट में भी देख लिया जाएगा तब तक लिए जय हिंद जय जै भारत जय हो बिहार बिहार की धरती की जय हो चले दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच बाय